सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका वील वैन में। थैंक यू। बहुत दिन बाद पंजी से मुलाकात हो रही है। सबसे पहले कैसे हैं आप एंड हाउ थिंग इज गोइंग? मैं बहुत अच्छी हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, थैंकफुली। थैंक यू फॉर आस्किंग। हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और हमें लगा हमें ये करना चाहिए। उन लड़कियों के बारे में पढ़ा, सर ने कुछ कुछ चीज़ें दिखाई एंड हमें इंस्टेंटली लगा कि नहीं, वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड दैट्स अबाउट इट। वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो। हम लोग भी ओवरवेलम्ड हैं एंड या आपने हाँ क्यों क्यों बोला इस कैरेक्टर को? तो इसकी कास्टिंग मुकेश छाबड़ा कंपनी ने की है। तो मेरे पास ऑडिशन आया आसिफा का और एक और जो कैरेक्टर है गीतांजलि का, मैंने दोनों के लिए ऑडिशन दिया और उनको दोनों ही ऑडिशंस पसंद आए। तो जब मेरी मीटिंग्स हो रही थी विपुल सर के साथ, सुदीप्तो सर के साथ एंड आशिन के साथ, तो मेरा एक कन्विक्शन था आसिफा को करने के लिए, क्योंकि मुझे गीतांजलि का कैरेक्टर फिर भी थोड़ा सिमिलर लगा सोनिया से, लेकिन आसिफा मुझे बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट लगा। एक्सेंट वाइज बहुत डार्क था वैसे भी। इनसाइड हमारी वर्कशॉप्स हो रही थी, देन ही मेंशनड कि आसिफ वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशंस विच आई सॉ पूरे फिल्म के, उसमें वो आसिफा का था और वो सोनिया का था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रू स्टोरी है जो हम दिखा रहे हैं। शायद कहीं फिक्शन होता तो मैं समझ पाती कि लोग उसे उस तरह से लेते, पर मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हर तरीके के, हर रिलीजन सारे, एंड वो बहुत अच्छे वे में फ़िल्म को देख रहे हैं। मुझे, मैं सबसे बस यही बात बोलना चाहूँगी कि ये फ़िल्म बिल्कुल भी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ना ही इंटेंशन थी, कि इंटेंशन बहुत अच्छी थी इस फिल्म को बनाने की। और इंटेंशन आई थिंक कहीं ना कहीं यस टेररिज्म और ISIS के अगेंस्ट ज़रूर था हम लोग को, कि एक मैसेज देना था कि उस नेटवर्क का पार्ट कोई ना बन जाए, और अगर दो तीन लड़कियाँ भी उसका पार्ट बनने से अगर बच सकती हैं तो बस उतनी ही इंटेंशन थी इस फिल्म को बनाने की। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, आई नो बहुत क्लीशे बात है जो मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि जब ऑडियंस आपको आके अप्रिशिएट करती है ना, जब आपके DMs रोज़ आप सुबह देखो और DMs इतने सारे और मैसेजेस, और इतने सालों पुराने लोग जिनसे मेरी बात नहीं हुई और वो लोग स्पेशली आपको कॉल करके बोलें कि लिसन यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड वी आर लविंग योर वर्क, मुझे वो चीज़ बहुत खुशी दे रही है। और लोग अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन यू कैन गेट। नॉट जस्ट इंडिया, कोई पीस ऑफ आर्ट मतलब बैन नहीं होना चाहिए, वो सोल्यूशन नहीं है। इट इज़ एज इफ़ यू आर गोइंग बैकवर्ड वे में, या किसी ने किसी भी तरीके की फिल्म बनाई है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो बैन लगाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट हो रही है, दैट इज़ ओके, बिकॉज वो होगा। वो कुछ भी चीज़ आप बनाओगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% लोगों के, सब लोग सेम नहीं होते, 100% लोगों के साथ आप कनेक्ट करो, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जहन में बात आ गई कि वो गलत कर रहा है तो वो नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि फिर इतने क्राइम्स होंगे, अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आप गलत कर रहे हो तो आप कभी नहीं करोगे। आपके लिए जो आप कर रहे हो आप वो सही कर रहे हो। जो सच में ऐसा लोग करते हैं शायद वो भी ब्रेन वॉश होते हैं, या कंडीशनिंग ऐसी होती है जो टेररिज्म के पार्ट होते हैं और जो खुद टेररिज्म कहीं ना कहीं स्प्रेड कर रहे होते हैं, बट मुझे लगता है शायद उनके लिए वो बहुत सही है। उनको कहीं ना कहीं इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है दैट वी आर सर्विंग अ बिगर पर्पस इन लाइफ। तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की थी और उस हिसाब से कैरेक्टर को किया था। टाइम पर मुझे सिर्फ सोनिया नहीं बने रहना, लाइफ टाइम डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं, इसीलिए शायद मैं एक्टर बनी हूँ। तो TV में एक ये बस थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है कि आप एक ही कैरेक्टर बहुत साल जीते हो, वेयर एज आई थिंक वेन यू एक्सप्लोर OTT और फिल्म्स यू गेट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एवरी टाइम। मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी तो पहले भी बहुत सारी फिल्म्स पे हुई है, मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ कि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमें फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रोवर्सी एक एक्सटेंट तक तो शायद हो सकता है किसी फिल्म को पुश दे दे, लेकिन इतने सारे लोग और इतना ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ की लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो प्रमोट कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी लगी, तुम भी अपने दोस्तों के, वो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी के बेसिस पे नहीं हो सकता। कहीं तो एक कोई कॉर्ड स्ट्राइक हो रहा है लोगों से, कहीं तो उन्हें कहीं एक इमोशन टच हो रहा है, कहीं उन्हें स्टोरी अच्छी लग रही है, उन्हें समझ आ रहा है कि किसी के साथ ऐसा हुआ था, तभी जा रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।